नमस्कार, मैं सुष्मिता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप भूल कर भी ये चार चीज़ें कभी भी मत करिए। पहला पॉइंट है, प्रेशर में आके कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आप सोच रहे कि कहीं से मैं 10 लाख रुपये या 5 लाख रुपये ले आओ और उससे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके डेली 5 to 10,000 कमा लूंगा किसी तरीके से, तो ये जो आपका थॉट है ये बहुत ज़्यादा गलत है। लोन लेके कहीं से बोरो करके आप अगर पैसा ला रहे हो मार्केट में और आपको मार्केट से एक्सपेक्टेशन है कि डेली मैं इतना रुपए तो कमा ही लूँगा, क्योंकि मार्केट में तो लोग कमा रहे हैं, हम यूट्यूब में देख रहे हैं कि डेली 5,000, 10,000, 20,000 पॉसिबल है इजिली। तो अगर आप ऐसा सोच के अगर किसी और का थंबनेल या रील्स देख के मार्केट से अगर आप ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो तो आपको क्या होगा, आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर के चक्कर पैसा कमाना तो दूर, आप पूरा पैसा डुबा दोगे। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग कभी भी प्रेशर में नहीं करना चाहिए, एक स्किलफुल गेम है। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में हम क्या करते हैं, हम एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं, हम देखते हैं मार्केट को, मार्केट का पूरा कंडीशन देखते हैं, फिर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है हर रोज चेंज होता रहता है, बिहेवियर चेंज होता है, जैसे कि आज वॉलेटाइल है, कल हो सकता है ट्रेंडिंग होगा, देन कभी साइडवेज हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें मार्केट में अपना रिएक्शन करना चाहिए। वॉलेटाइल में हम कैसे ट्रेड करते हैं, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब हम कैसे करते हैं, या जब साइडवेज होता है तब हमारा जो ट्रेड वो कैसा होता है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि इंडेक्स में ये सब प्रॉब्लम होता है, ऑब्वियसली स्टॉक्स में भी होता है, तो ये हमें समझना होगा हम इंडेक्स ही कर रहे हैं या स्टॉक्स ही कर रहे हैं। हम अगर मार्केट से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि मार्केट से हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे और एक प्रेशर है माइंड में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ के पूरा करियर मार्केट में बिल्डअप करना चाहिए, ये बुरी बात नहीं है। आप अगर जॉब छोड़ के पूरा करियर अपना जो है वो मार्केट में करना चाहते हो, बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर में कभी भी ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग एक सिस्टमेटिक गेम है, उसमें अगर आप प्रेशर क्रिएट हो रहे हो, मार्केट ठीक नहीं है और आपको लग रहा है किसी ना किसी तरीके से मुझे आज पैसा निकालना है, सुबह आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा होगा या आपका जो स्ट्रेटेजी है सुबह आप उस स्ट्रेटेजी में आपको एक भी ट्रेड नहीं मिल रहा होगा, आप सोच रहे कि आफ्टरनून में मिल जाएगा, आफ्टरनून में भी नहीं मिलेगा कभी कभी, फिर आप सोच रहे अब क्या करूं, मेरा जो कोटा था दिन का, लोग कोटा बोलते हैं कि इतना कोटा होता है हमारा, तो वो कोटा फुलफिल नहीं हो, तो अब क्या करें, 3:30 से पहले आप एक ट्रेड ले लोगे और उसमें क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस आप फिर से कवर करने की कोशिश करोगे, ऐसे करते करते मार्केट ही बंद हो जाएगा। तो ये हमें समझना होगा कि मार्केट में ये नहीं चलता, अगर हम प्रेशर लेके मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हैं तो हमारा वो ट्रेड कभी नहीं होगा, वो गैम्बलिंग हो जाएगा, क्योंकि हम मार्केट से क्या कर रहे हैं, हम मार्केट के साथ मेल नहीं खा रहे, मार्केट को समझ नहीं रहे मार्केट कैसा ट्रेड कर रहा है और कैसा बिहेव कर रहे, हम अपना जो अपना चला रहे, तो ये आप भूल कर भी मत कीजिए, प्रेशर में आके इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए। दो नंबर पॉइंट हम डिस्कस करें तो दो नंबर पॉइंट में है चेकलिस्ट। विदाउट चेकलिस्ट आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग पैशनेटली कर रहे हो तो आपके पास ऑब्वियसली एक चेकलिस्ट होगा, विदाउट चेकलिस्ट आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते। जैसे कि मैं स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ रेगुलर, तो उसमें क्या होता है, मेरा एक चेकलिस्ट होता है कि मैं ये देखती हूँ, जब तक ये मैच नहीं होता तब तक मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करती। तो उसी तरह अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो, तो आप एक चेकलिस्ट रखो कि ये होना चाहिए मार्केट में, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अगर आप हर एक प्राइजेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो और हर एक प्राइजेक्शन में आप कुछ ना कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, यस आपको कभी ना कभी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन दे एंड में आपको लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें समझना होगा कि हमें एक चेकलिस्ट रखना चाहिए, जैसे कि हम घर से अगर सुबह बाहर निकलते तो हमारे पास एक चेकलिस्ट होता है कि मुझे ये काम करना है। तो उसी तरह ट्रेडिंग में अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो आप देखिए पूरा स्ट्राइक प्राइस कैसा चल रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस कितना होना चाहिए, या जो ऑप्शन चेन अगर आप फॉलो करें तो ऑप्शन चेन का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर और कुछ आप फॉलो करें, जैसे कि बहुत सारे लोग जो ग्रीक होते हैं उनको भी फॉलो करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप सेलिंग करें तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, तो आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप अपना चेकलिस्ट बनाइए और उस चेकलिस्ट के हिसाब से आप क्या करें, आप ट्रेड एग्जीक्यूट, जब तक आपका चेकलिस्ट फुलफिल नहीं होता तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर चेकलिस्ट नहीं होगा तो आप ऊट पटांग ट्रेड लेके आपका जो कैपिटल आप खत्म कर दोगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि मार्केट पूरा दिन चलता है, 9:15 to 3:30 मार्केट चलता है, तो उसमें से हमें ट्रेड लेना है, उसमें कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। अगर लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली फिर हम रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकरेज जाता है, खुद का पैसा भी जाता है। तो ये हमें समझना होगा, पूरा दिन मार्केट होता है सही, बट पूरा दिन तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, ऑब्वियसली हमें
दो या तीन ट्रेड लेना है और से उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप सोच रहे कि मुझे दिन में 10 ट्रेड लेना है, 20 ट्रेड, आपको तो पता है एसटीडी कितना बढ़ गया है और कितने सारे चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा, हमें सिस्टमेटिक तरीके से हमारा एक चेकलिस्ट बनाना होगा। जब तक वो चेकलिस्ट फुलफिल नहीं होगा तब तक हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये अपना एक थंबनेल बना लीजिए। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट में है कि प्राइस के पीछे कभी भी मत भागिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है बहुत स्पीड में होता है, मोमेंटम आ जाता है मार्केट में और हमें लगता है हमारा ट्रेड मिस हो गया। एग्जाम्पल से देखें तो मुझे एक ट्रेड लेना है 200 के प्राइस में और वो 200 का प्राइस 205 हो गया, 210 हो गया और मैं सोच रही हूँ मेरे हाथ से तो प्राइस चला गया, तो मोमेंटम चल रहा है, मैं तो ट्रेड नहीं ले पाई और मैं क्या कर रही हूँ 205 या 210 में मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मेरा ट्रेड लेने का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, मेरा स्टॉप लॉस या मेरा जो टारगेट वो सिस्टम ही पूरा चेंज होता है। मैं जो टारगेट लगा रही थी ऑब्वियसली टारगेट हिट हो गया, अगर मैं 200 पे एंट्री करने वाली थी तो ऑब्वियसली मेरा जो टारगेट 210 होगा तो 210 ऑलरेडी हिट हो गया और मैं सोच रही हूँ कि 210 में मैं एंट्री करूँ, मतलब रेजिस्टेंस पे। तो ये हमें समझना होगा कि हमें प्राइस के पीछे नहीं भागना है, अपना जो प्राइस वो देखना है मार्केट में क्या हो रहा है। अगर मुझे एक प्राइस में लेना है ट्रेड तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एडवांस ऑर्डर लगा सकते हैं। मैं ये नहीं समझती थी कि एडवांस ऑर्डर भी लगा सकते हैं या उसमें ट्रेड कर सकते, तो फिर मेरे ब्रदर ने मुझे सिखाया कि तुम एडवांस ऑर्डर लगा दो, अगर तुम्हारे हाथ से प्राइस छूट रहा है, अगर तुम उस प्राइस में एंट्री नहीं ले पा रहे हो तो तुम एक एडवांस ऑर्डर लगा सकते हो। आप भी एक काम कर सकते हैं, आप एडवांस ऑर्डर लगा सकते हैं। आप अगर हर प्राइस के पीछे भाग रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं मार्केट प्राइस में बाय कर दूं, मार्केट प्राइस में क्या होता है कभी कभी ऐसे प्राइस में बाय हो जाता है बहुत ऊपर बाय हो जाता है और स्पाइक देके नीचे आ जाता है, उसमें क्या होता है हमारा लॉस होता है और हम सोचते हैं कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, ऑलरेडी तो मार्केट इतना मूव कर ही गया, इंडेक्स में बहुत ज्यादा होता है। आप मार्केट प्राइस में लेते हो, लेने के बाद ऊपर आपका बाय हो गया, देन आप सोच रहे हो कहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, एंड देन करते करते मार्केट नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि क्या होगा, एंड देन फाइनली आपको लॉस बुक करना पड़ता है बहुत बड़ा। तो ये हमें समझना होगा कि हमें मार्केट प्राइस में नहीं लेना है, हमें अपना प्राइस में मतलब लिमिट प्राइस में हमें लेना है, हम जिस प्राइस पे चाहते हैं हमें उस प्राइस पे लेना है। मार्केट में जो चल रहा है अगर उस प्राइस के पीछे आप भाग रहे हो तो उसमें आपका जो सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे आप कहाँ पे एग्जिट करना है और कहाँ पे आपको लॉस लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीरियसली इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या जो भी ट्रेडिंग हो करना चाहते हो तो ये सिस्टम आपको समझना होगा कि प्राइस के पीछे नहीं, मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा और इस लिमिट ऑर्डर से मैं ट्रेड लूंगा। क्योंकि आप अगर हर एक ट्रेड मार्केट प्राइस में ले रहे हो और आपको लॉस हो रहा है तो आपको ये समझना होगा कि क्यों लॉस हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लॉस होता है बट उनको पता ही नहीं कि मुझे लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो सही जगह पे ले रहा हूँ लेकिन आपका जो प्राइस बहुत ऊपर बाहर रहा है। तो वो हमें समझना हो इंडेक्स ट्रेडिंग में अगर कर रहे हो तो सीरियसली इस बात को लीजिए, अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो वहां पे भी आप ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कि हमें मार्केट से कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए। मार्केट को हमें एक सुप्रीम की तरह समझना चाहिए कि जो प्राइस है, जो प्राइस चल रहा है उसको समझना है, ऐसा नहीं कि उसके साथ युद्ध करना है। अगर आप पूरा दिन रिवेंज ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका पैसा तो जाएगा साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोग आते हैं और लोग आने के बाद जब कंटिन्यूअसली लॉस होता है, लॉस होने का मतलब क्या, हम क्या सोचते हैं कि हम फेल हो रहे हैं बार बार, तो फेल होने से क्या हमारा जो कॉन्फिडेंस वो चला जाता है, हमारा जो सेल्फ इमेज वो भी डाउन हो जाता है, हमारा पैसा तो ऊपर से जा रहा है, ऊपर से लॉस है, हम घर पे क्या बताएंगे, हमारे फ्रेंड्स में लोग इतना सक्सेस कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे। तो ये जो सिस्टम हमें समझना है क्यों खो रहे हैं ये सब चीज़ें, रिवर्स के वजह से, ओवर ट्रेडिंग के वजह से, मार्केट को ना समझने की वजह से हम चीज़ों को नहीं समझ रहे और अपने हिसाब से क्या करें काम करें। तो ये हमें समझना होगा, मार्केट का जो स्ट्रक्चर हमें समझना होगा। जैसे कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो अगर आप स्टॉक्स में अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको सेक्टर को समझना होगा। ये मैं पहले नहीं समझती, जब मैं बिगिनर थी मुझे समझ में नहीं आता था, मैं स्टॉक्स में एंट्री कर जाती थी मतलब स्विंग में। अगर आप सेक्टर को समझ जाते हैं कि कौन सा सेक्टर कब मूव कर रहा है, सेक्टर कैसे रोटेशन हो रहा है, आज क्या सेक्टर मूव दे रहा है, देन कल क्या सेक्टर देने मूव देने वाला है, सेक्टर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, सेक्टर एनालिसिस करना आपको आना चाहिए पूरा का पूरा सेक्टर, तभी आप उसमें से अच्छे स्टॉक्स को पिक कर पाओगे। अगर आपको सेक्टर ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टॉक्स कैसे पिक करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगर मार्केट के साथ युद्ध कर रहे हैं, हम इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर एक ट्रेड के क्षेत्र में अगर हम मार्केट के साथ कंटिन्यू युद्ध कर रहे हैं, मार्केट को समझ नहीं रहे और ऊटपटांग ट्रेड ले रहे हैं,
तो उसमें बहुत सारा कैपिटल हमारा लूज आउट होगा। आप अगर मार्केट में बिगिनर हो तो आप कम ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। आप जब कम ट्रेड लेंगे, आप जब मार्केट को समझेंगे कि मार्केट ऐसे चल रहा है, स्टॉक्स में हो तो सेक्टर समझना चाहिए, स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं वो समझना चाहिए, स्टॉक्स का प्राइस देन वॉल्यूम, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए कि स्टॉक्स कैसे चलते हैं, उसका वॉल्यूम एंड देन प्राइस कैसे एनालिसिस करके हम ट्रेड लेते, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग तो इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में जो निफ्टी है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से निफ्टी रिएक्ट करता है। देन बैंक निफ्टी के अंडर जितने स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स वो कैसे रिएक्ट करके, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है। तो ये हमें समझना होगा। अगर हम नहीं समझ रहे और हम सोच रहे कि बैंक निफ्टी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जो स्टॉक प्राइसेस को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और आप किसी ना किसी स्टॉक प्राइस पे आप ले रहे हो, बार बार आप ओटीएम में प्ले कर रहे हो, तो उसमें आपका जो लॉस वो बढ़ता रहेगा। आपका ट्रेडिंग टाइप्स जो भी हो, आप अगर मार्केट को समझ लेते हो, अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट करते हो, तो उसमें आपका जो रेशियो सक्सेस होने का आपका बढ़ जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने चार पॉइंट कवर अप किए। पहला पॉइंट है कि प्रेशर में आके कभी भी हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, मैंने सिर्फ चार पॉइंट कवर अप किए और बहुत सारे पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी। देन दूसरा पॉइंट था कि हमें प्राइस के पीछे नहीं भागना चाहिए, एंड हमें एक चेकलिस्ट रखना चाहिए, विदाउट चेकलिस्ट हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट था कि हमें मार्केट के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें मार्केट को एज ए सुपीरियर समझना चाहिए, या मार्केट को हमें एक गॉड की तरह बिहेव करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर से एक रिस्पेक्ट आएगा। आज अगर आपको एक भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, अगर आपको आज दो तीन ट्रेड में लॉस हो गया, तो आप समझिए कि नहीं, टुडे इज नॉट माय डे, आज मेरा दिन इतना है, आज मेरे से नहीं बन रहा है, या मार्केट को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा बहुत दिन होता है कि हमें मार्केट ही समझ नहीं आता, तो उस दिन हमें अपना जो पीसी ऑफ कर देना चाहिए, पिछले दिन के लिए कोशिश करें। अगर हमारा माइंडसेट ब्रॉड है, अगर हम दूर का पिक्चर देख रहे हैं कि हमें दूर तक जाना है, ना कि आज ही हमारा जो कोटा है वो फुलफिल करना है, तो उस हिसाब से अगर हम सोच रहे हैं, उस हिसाब का माइंडसेट हमारा है, तो उसमें हमारा लॉस डेफिनेटली होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद समझना चाहिए। जब हम मार्केट में रहते हैं, मार्केट को एक्सपीरियंस करते हैं, या हम कंटिन्यूसली जर्नलिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।